हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पाई थी, और आज हमारी मेरी तबीयत जो थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो वीडियो को मैं एडिट कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, एक मेमोरी सेव हो जाता है, और कभी भी हम देखते ना तो तरोताज़ा हो जाता है। इसलिए मैं वीडियो को मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैं आज सोची कि मेरा तबीयत ठीक है तो चलो मैं वीडियो को एडिट कर लेती हूँ। और कमेंट भी आ रहा था कि दीदी आप पार्ट वन अपलोड कर रखे हो करवा चौथ का, तो पार्ट टू कब अपलोड करोगे। और कमेंट ये भी था कि दीदी ये आपका खुद का घर है क्या, तो जी हाँ ये हमारा खुद का घर है, फ्लोर है, क्योंकि दिल्ली में जिधर मैं रहती हूँ ना उधर ज़मीन से ख़रीदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बहुत काफ़ी दाम होता है। तो जो आप मेन शहर में रहते हो ना, जैसे कि आप NCR या गांव जैसे जहाँ पे रहता है ना जगह, तो वहाँ पे आप ज़मीन से ख़रीद सकते हो। मगर जब आप मेन शहर में रहते हो तो मेन शहर में ना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत महंगी महंगी फ्लैट मिलती है, ज़मीन से तो ख़रीदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है जिधर मैं रहती हूँ। पार्ट वन वीडियो करवा चौथ का मेरा अपलोड हो गया है, तो यह पार्ट टू है। और यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को पहले मैं अर्घ देने गई थी, नहा धो के आई, साड़ी पहन के सिंदूर लगा के सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को डूबता हुआ सूर्य को अर्घ देने के लिए गई हूँ, क्योंकि करवा चौथ में ना करवा चौथ की पूजा करने से पहले सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद ही पूजा का कथा और पूजा में बैठा जाता है। उसके बाद मैं जल दे के आई हूँ, क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, तो बहुत जल्द ही सूर्य भगवान जो है डूब जाते हैं। तो मैं 5 बजे ही गई थी, तो सूर्य भगवान डूब रहे थे जिस टाइम मैं सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। तो फिर सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद मैं आई हूँ, और पटरा चौकी मैंने बिछा लिया है जहाँ पे मैं पूजा करूँगी। और यहाँ पे फिर चौकी बिछाने के बाद मैंने सोचा पहले मैं मेकअप कर लेती हूँ, थोड़ा सा सवर जाती हूँ, क्योंकि ये सुहाग वाला पूजा है, तो पूरे प्रॉपर 16 सिंगार मतलब पूरा सज धज के ही पूजा पर आपको बैठना है। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाई हूँ, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाई हूँ, उसके बाद में रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। और आज मैंने अपने हेयर स्टाइल कुछ ऐसा रखा है, सिंपल ही है मगर कुछ इस तरीके से रखा है, देख सकते हो। और ये देखती, और उसके बाद लिप लाइनर लगाई हूँ, और एक्स्ट्रा इधर उधर निकला रहता है तो फिर मैं स्पंज से इधर उधर साइड से मैं पोंछ लेती हूँ, फिर मेंटेन करके काजल में लगा रही हूँ। उसके बाद काजल लगाने के बाद आईब्रो फिल कर लेती हूँ, और जितना भी प्रॉपर होते हैं ना पूरा श्रृंगार आपको पूरा श्रृंगार आपको 16 श्रृंगार करके आपको बैठना है, और हो ही जाता है कान में, नाक में, पैरों में, मांग में, सब कुछ लेके, चुनरी हो गया, गला सेट हो गया, मंगलसूत्र हो गया, सब कुछ लेकर ना आपको 16 श्रृंगार कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि शादी वाला जो चुनरी होती है ना, कितना पिलिया भी बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने अभी कंगन पहना ना, ये हमारा शादी का लहठी है। उसके बाद पीछे मैंने एक एक शादी वाला अपना जोड़ा चूड़ी पहन लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ये वाला चूड़ी पीला और रेड कलर को मिक्स करके मैं पहन रही हूँ। मैंने पतला वाला पायल चांदी का ही है मैंने निकाल दिया है, और थोड़ा हैवी वाला मैंने पायल पहन लिया है, देख सकते हो। उसके बाद मैं महावर लगाऊंगी, क्योंकि कोई भी पूजा हो ना आप नेल पेंट स्किप कर सकते हो, उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर आपको महावर स्किप नहीं करना है। महावर आपको प्रॉपर पैरों में लगाना ही लगाना है, ये शुभ हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही शुद्ध होता है, और इससे जो है ना पूजा में हमारा शुद्धता का प्रतीक है महावर। तो इस तरीके से मैंने अपने पैरों पे डिजाइन कुछ इस तरीके से लगाया है। महावर लगाने के बाद आप एक महावर को एक बार इस तरीके से प्रणाम कर लेंगे, और कोई भी श्रृंगार का सामान मतलब जब भी हम श्रृंगार करते हैं ना एक बार हमें प्रणाम कर लेना चाहिए। और उसके बाद देख सकते हो फाइनली हम हो गए हैं तैयार। और आपको अगर शादी का कुछ भी कोई भी जोड़ा है ना, तो आप कोई भी जैसे कि तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, तो अगर है आपके पास तो आप कोई ना कोई एक चीज़ आप ज़रूर पहनिएगा। इससे क्या होता है ना कि बहुत अच्छा होता है और शुभ होता है। उसके बाद में आ गई हूँ सिंदूर लगाने के लिए। एक कमेंट ये भी था कि दीदी हम सिंदूरा से सिंदूर कब लगाएं, तो तीज हो गया चाहे करवा चौथ हो गया, जब भी हम सुहाग वाली पूजा करते हैं ना
तो सिंदूरा से सिंदूर जब आप तैयार होने लगो तभी आप लगाइए। देख सकते हो मैं नाक से लेके मांग तक अच्छे से मैं पूरा भर लूँगी। फाइनली देख सकते हो ये ऑरेंज कलर की सिंदूर है, पूजा पाठ में इसी सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैं रख लेती हूँ, उसके बाद मैंने लाइनर नहीं लगाया है अभी, तो लाइनर अभी लगा लेती हूँ। फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार प्रॉपर, और थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ अपने फेस पे, जो कि क्लिप जो है स्किप हो गया। उसके बाद मैं नथ पहन लेती हूँ, और फाइनली यहाँ पे देख सकते हो मैं कमर बन लगा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यहाँ पे देखिए गांठ लगा हुआ था, इसको मैं खोल लेती हूँ। और ऐसे ही ट्राई करके देख रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो इसके बिना भी काम हो जाएगा, फिर मैंने नहीं पहना है। और यहाँ पे देख सकते हो ब्लाउज का गला मेरा कुछ इस तरीके से, और जो साड़ी मैंने पहना है ना बहुत ही मुलायम है, और इसका ब्लाउज मैंने अभी तक सिलवाया नहीं है इस साड़ी का। और यहाँ पे हमारे पास रेड कलर का ब्लाउज था, तो इस पे बहुत अच्छे से मैचिंग हो रहा था, क्योंकि इसका भी गोल्डन कलर की वर्क किया हुआ साड़ी में भी और ब्लाउज में भी गोल्डन कलर का है, तो मैच हो रहा था। और मेरा चूड़ी कुछ इस तरीके से रेड और पीला कलर का मैंने मिक्स करके पहना है। यहाँ पे देख सकते हो अब करवा माता का मैंने फ़ोटो रख दिया है, और यहाँ पे देखिए सिंगार का सामान है, जितने भी पूजा में जो सामान इस्तेमाल होते, चलिए एक बार दिखा देती हूँ। सिंगार का सामान के बाद फूल आपको लेना है, स्वीट मट्ठी लेना है, घर में भी पूड़ी बना सकते हो, हलवा पूड़ी कुछ भी लोग बनाते हैं, मगर मैं मार्केट से ही मंगा लेती हूँ। तो चार चार का बहुत महत्व है, तो चीनी बतासा सब कुछ मैंने लेके आया है करवा में भरने के लिए प्लस पूजा के लिए। उसके बाद आपको पूजे में मिट्टी का दिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दिया है ना, हम छन्नी जब देखते हैं ना तो दिया को हमें ऊपर ही छोड़ना होता है। तो यहाँ पे सिंदूर, अक्षत, घी, कपूर, कच्चा धागा जनेऊ के लिए, उसके बाद रोली, चंदन जो कुमकुम होता है वो लेना है आपको, फिर रुई लेना है, कथा का किताब लेना है, धूप अगरबत्ती लेनी है, चुनरी लेना है, हल्दी लेना है, अगर हल्दी गांठ वाली नहीं है ना तो पाउडर वाला भी हल्दी चलेगा, फिर कच्चा सूत लेना है, मौली का धागा जो होता है वो लेना है, चंदन लेना है, हल्दी लेना है। ये सब हमारे पूजा का सामान थे। चलिए अब यहाँ पे कथा का किताब भी रख देती हूँ, चलनी भी आपको पूजा पूजा पे ही रखना है, चलनी को भी आपको पूजा करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रूट है, और यहाँ पे देखिए जो सीजनल फल मिलता है वो है, नारियल है, संतरा है, केला है, सेब है, और यहाँ पे मिठाई भी हमने मंगवाया है। उसके बाद यहाँ पे करवा माता के पहले जहाँ पे मैं फ़ोटो स्थापित करूँगी यहाँ पे अक्षत और फूल का आसन दे देती हूँ। उसके बाद मैंने चलनी को भी साथ में ही रखा है, क्योंकि आपको चलनी को भी पूजा करना है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे करवा रखेंगे वहाँ पे भी फूल और अक्षत का आसन दे देते हैं। ऐसे ही करवा आपको नहीं रखना है, फूल और अक्षत का आसन आपको लगाना है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद एक करवे में आपको चीनी भरना, चीनी, अनाज, मिठाई कुछ भी भर सकते हो। एक करवा में हम जल भरेंगे जिसे हमें अर्घ देना है, तो ये इसमें देखिए चीनी और बतासा मैं दोनों चीज़ को भर रही हूँ। और उसके बाद करवा को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आपको ढक देना है कोई प्लेट से, कटोरी से, इस तरीके से। और जिसमें जल है उसमें मैं फूल डाल लेती हूँ, अक्षत डाल लेती हूँ, रोली डाल लेती हूँ, और चावल और बतासा, ये सब चीज़ें डाल के फिर यहाँ पे देखते हो गुलाब का फूल और ये जो गेंदे का फूल है ना, दोनों फूल मैं डाल देती हूँ। उसके बाद इसमें 1 रुपये का सिक्का भी डालना है, जो चंद्र अर्घ हम देंगे। उसके बाद कटोरी के ऊपर हम बतासा रख देते हैं, चार चार बतासा दोनों के ऊपर रख देते हैं। और उसके बाद जहाँ पे हम कलश रखेंगे, कलश के नीचे भी फूल और अक्षत दे देते हैं। फिर कलश में भी हम एक कसेली डालेंगे, फूल डालेंगे, अक्षत डालेंगे, और तीनों में हम मौली का धागा बांध देंगे। आपको ऐसा ही नहीं छोड़ना है, आपको तीनों कलश में आपको मौली का धागा जो है आपको बांधना है। तो मौली का धागा बांधने के बाद यहाँ पे मौली का धागा बांध लेते हैं। उसके बाद कलश में भी आपको फूल डालना है, अक्षत डालना है, रोली डालना है, और आपको बतासा डालना है, और कटोरी के ऊपर थोड़ा सा चावल रख के मैंने दीप रख दिया है। दीप कलश में जला रही हूँ, बना रही हूँ। उसके बाद बहने के लिए साड़ी जो है हम साइड में रख देंगे, और यहाँ पर देख सकते हो अब हम पूजा के लिए बैठ जाते हैं। इधर साइड में मैंने
साइड में मैंने चंद्र भगवान को भी बनाया है, देख सकते हो। फ्रंट कैमरा है तो थोड़ा सा अपोजिट दिखता होगा। फिर उसके बाद हम पूजा करने से पहले हम दीप धूप दीप दिखा लेते हैं, उसके बाद हम कथा पढ़ना शुरू करेंगे और पूजा करना शुरू करेंगे। ये तो हमारा सिर्फ पूजा का तैयारी हुआ है, अभी हमने पूजा करना शुरू नहीं किया है। अब सारी तैयारियां हो गई है तो चलिए अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना मैं साइड करके रख देती हूँ और पूजा के चीज़ें इधर पास में रख लेती हूँ। यहाँ पे गंगा जल में एक छोटा सा गिलास में मैंने गंगा जल लिया है और यहाँ पे फूल थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूँ माला से पूजा के लिए। तो माला बहुत बड़ा है तो यहीं से मैं माला से ही मैंने 5 से 7 फूल मैंने निकाल लिया पूजा के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने गंगा जल लिया छोटा सा गिलास में। सभी चीज़ों पे मैं छिड़काव कर दूँगी, उसके बाद जितने भी पूजा के सामान है सबके ऊपर छिड़काव करने के बाद खुद के ऊपर भी छिड़काव करनी है। यहाँ पे मैं अक्षत ले लेती हूँ। अब हाथ में पुष्प और अक्षत लेके गणेश भगवान को, करवा माता को और सभी देवी देवता को आवाहन करेंगे कि हे माता रानी, हे गणेश भगवान, हे शंकर भगवान, हे सभी देवी देवता, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, हमारे पूजा में आके सम्मिलित होकर हमारे पूजा को सफल करिए। माता पार्वती हमें सदा सुहागन होने का वरदान दीजिए। इस तरीके से मन में नाम लेते हुए फिर हम फूल और अक्षत को हम गणेश भगवान के पास छोड़ देंगे। फिर मैं हाथ में फूल और अक्षत लिया हूँ, थोड़ा सा जल लेके फिर कलश के सभी देवी देवता को आवाहन करके फिर कलश के पास हम अक्षत और फूल छोड़ देंगे। उसके बाद गणेश भगवान को रोली लगाना है, उसके बाद शंकर भगवान को, सभी देव पुरुष को हम रोली और चंदन लगाएंगे और माता पार्वती, करवा माता सबको मैं सिंदूर लगाऊंगी। उसके बाद सिंदूर लगाने के बाद सबसे पहले सर्वप्रथम आपको गणेश जी को कुछ भी करना है तो पहले रोली गणेश जी को लगाना है, उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम मौली चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे। सब कुछ चढ़ाने के बाद ही हम दूसरा सभी देवी देवता को हम पूजा करेंगे। पहले हमें गणेश जी को पूजा करना है, फिर वस्त्र स्वरूप सभी देवी देवता को कलश के ऊपर भी, करवा के ऊपर भी मौली का धागा चढ़ाई हूँ। उसके बाद चंद्र देवता इधर मैं साइड में बनाई हूँ, चंद्र देवता को भी मैं चढ़ा देती हूँ, दीप को भी चढ़ा देती हूँ और उसके बाद रोली चंदन से भी चंद्र देवता को हम पूजन कर लेंगे। इधर साइड में मैं बनाई हूँ। उसके बाद आपको जो चलनी रखे है ना, चलनी को भी लास्ट में आपको पूजा करना है। उसके बाद करवा माता को फोटो का हम माला पहनाएंगे। माला पहनाने के बाद गुलाब का फूल हमारे पास है तो गुलाब का फूल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद सभी करवे के ऊपर भी हम फूल चढ़ा देंगे, कलश के ऊपर भी फूल चढ़ा देंगे, चलनी के ऊपर भी हम फूल चढ़ाएंगे और चंद्र देवता को भी ऊपर हम फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद प्रतिमा में, करवा माता का प्रतिमा में, करवा चौथ के प्रतिमा में हमारा स्पर्श कराते हुए, गोड़ लगते हुए हम सभी फल फ्रूट मिठाई सब कुछ हम अर्पित कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो जगह छोटा है तो आप साइड में भी रख सकते हो फल फ्रूट। तो यहाँ पे मैं चलने को दूसरे साइड रख देती हूँ और केला को भी ऐसे ही प्रतिमा में स्पर्श कराते हुए, गोड़ लगते हुए हम रख देंगे। जितने भी फल फ्रूट है ना सबको स्पर्श करा देंगे और साइड में रख देंगे। अगर जगह कम है ना तो दूसरे जगह भी आप रख सकते हो। तो इस तरीके से सेब, जितने भी फल फ्रूट आप चढ़ा रहे हो, चार चार का इसमें ज़्यादा महत्व है तो चार चार को ही मैं चढ़ाती हूँ। उसके बाद नारियल को आपको ऐसा ही नहीं चढ़ाना है, नारियल के ऊपर ये रक्षा सूत्र बांधेंगे और उसके बाद हम नारियल में 5 जगह टीका लगा के हम नारियल को रखेंगे और इसी रक्षा सूत्र को हम अपने पति के हाथों में कलाई में बांधेंगे जो नारियल के ऊपर हम लपेट के रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जनेऊ अर्पित कर लेते हैं गणेश भगवान को, हमने अभी जनेऊ अर्पित नहीं किया है। उसके बाद चंद्र देवता को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। साइड में हमने चावल से बनाया चंद्र भगवान को। उसके बाद हम माता रानी को चुनरी चढ़ाएंगे और श्रृंगार का सामान प्रतिमा में स्पर्श कराते हुए, गोड़ लगते हुए हम साइड में रख देंगे। अब हम कथा पढ़ेंगे तो हाथ में अक्षत लेंगे, फूल लेंगे, पहले धूप दीप दिखाना है। धूप दीप दिखाने के बाद आपको कथा पढ़ना है।
और मैं दीप दिखाने के बाद हाथ में पुष्प लेंगे, फूल लेंगे और अक्षत लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमने मिठाई मंगवाया है ना, वो भोग अर्पित कर देंगे। इधर प्रतिमा में स्पर्श कराते हुए साइड में रख देंगे। उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद हम आरती गाएंगे। तो कथा हो गया है, उसके बाद मैं आरती गा लेती हूँ। तो गणेश भगवान को पहले आरती गाना है, उसके बाद शंकर भगवान का आरती गाना है, फिर पूजा हो जाएगा संपन्न। फिर माता रानी को आरती देने के बाद पूरे घर में हम आरती दिखाएंगे। पहले चारों दिशाओं में हम आरती दिखाएंगे इस तरीके से, और सभी दिशाओं में आरती दिखाने के बाद हम पूरे घर में, किचन में, जितने भी आपका रूम है, सब जगह आपको आरती दिखाना है। धूप दीप दिखा के फिर आना है। उसके बाद हमारा आरती संपन्न हो गया। अब हम माता रानी से क्षमा याचना कर लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको आशीर्वाद लेना है, क्षमा याचना मांगना है कि माता रानी, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, पूजा में कुछ गलती हो गई हो, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद हम पानी का आचमन कर देंगे। हाथ में पानी लेके इस तरीके से घुमा के दो बार हम कलश के सामने छोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट में आपको सुहाग माता रानी को देना है। पहले पार्वती माता को सुहाग देंगे 5 बार, फिर करवा माता को देंगे, और फिर हम 5 बार दोनों से हम सुहाग लेंगे। जो सिंदूर आपने प्रतिमा में लगाया है ना, उसी सिंदूर को अपने मांग में भरना है 5 बार या 7 बार। उसके बाद करवा माता से हम आशीर्वाद लेंगे, सभी देवी देवता से, कि माता रानी जब तक जीव में सुहागिन रहूँ और मेरे सुहाग को हमेशा स्वस्थ रखिएगा, हमेशा रक्षा करिएगा। और उसके बाद हम चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए थाली तैयार कर लेंगे। तो उसमें चलनी रखेंगे, करवा रखेंगे, फूल, अक्षत, रक्षा सूत्र, बताशा, क्योंकि चंद्र देवता को, मतलब करवा चौथ है ना, तो इसमें गोल गोल चीज़ों की काफ़ी महत्व है। इस व्रत में आपको काट के चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए इस तरीके से, और चार चार का बहुत महत्व है। तो मैं चार चार को लिया हूँ, 4 बताशा है और 4 रसगुल्ला भी हमने कटोरी में रख लिया है। फूल है, अक्षत है, रोली है, सिंदूर है। इस तरीके से हमारा प्लेट तैयार हो गया अर्घ देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए पति देव से मैं थोड़ी सी वीडियो शूट करवा रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ कि थोड़ी सी आप वीडियो शूट करिए और मेरा साड़ी का पूरा लुक दिखाइए। और देख सकते हो मैं अपना पोज देने में लग गई हूँ, और ये मेरा ब्लाउज का जो गला है ना, कुछ इस तरीके से मैंने कुछ डिफरेंट गला करवाई हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा ही फैशन चलता है, और मेरा, मैं ना ब्लाउज का सिंपल ही रखती हूँ, ज़्यादा कोई डिजाइन नहीं करवाती हूँ, मगर होता है ना कि थोड़ा सा देखा देखी डिजाइन निकलवा लेते हैं। फिर चुनरी हमने सर पे रख रखा है इस तरीके से, साड़ी को फैलाते हुए जैसे लहंगा वाला जो पोज डालते हैं ना, इस तरीके से मैं पोज डाल रही हूँ। और सच बताऊँ ये जो साड़ी जो मैंने पहना है ना, बहुत काफ़ी मुलायम है, और इस तरीके से मैंने फ़ोटो बीच बीच में मैं क्लिक करवाते जा रही हूँ इस तरीके से अपना। और ये साड़ी ना बहुत ज़्यादा ही मुलायम है। ये साड़ी पहनाने में, मतलब दूसरे को हेल्प की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ी बहुत भी साड़ी पहनना जानते हैं ना, तो आप खुद से साड़ी पहन लेंगे इस तरीके से, जितना ये साड़ी मुलायम है। और प्लस पूरे साड़ी में वर्क भी है, तो मुझे ये साड़ी ना बहुत अच्छा लगा था। मेरे हस्बैंड जो हैं करवा चौथ पे ये साड़ी दिलवाए हैं, और इस तरीके से मैं पोज डाल रही हूँ, इस तरीके से हार्ट का डिजाइन बना रही हूँ हाथ से, और मेरे हस्बैंड जो है हंस रहे थे। और उसके बाद देख सकते हो फिर चंद्र देवता का निकलने का समय हो जाता है।
फाइनली हमारा पूजा पाठ हो गया है और अब हम चंद्र भगवान को, चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए हम वेट कर रहे हैं। इस तरीके से हम गोद में लेके, और यहाँ पे देख सकते हो हमारा पूजा पाठ कुछ इस तरीके से हुआ है। अभी तक जब से मैं पूजा कर रही हूँ तब से कंटिन्यू हम दीपक जला के ही रखे हैं, इसमें घी डालते ही जा रही हूँ। और अभी जो है टाइमिंग 9 बज गया है, अभी तक चांद मामा निकले नहीं है हमारे तरफ। तो अभी फिर से जाके देखो आदि निकल गया। सो फाइनली चांद मामा निकल गए हैं, तो चलिए हम ऊपर में मिलते हैं। फ्रेंड्स जितनी भी आप वीडियो देख रहे हो ना, जितनी भी आप फोटो देख रहे हो, ये सारे फोटो जो है मेरा बेटा बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों मिलके खींचा है। बहुत अच्छा ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा सा पिक्चर खींचा है, बहुत अच्छा यादगार इसमें कैप्चर किया है। और मुझे भी फ़ोटो खिंचवाना बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, मगर पतिदेव जी जो हैं परेशान हो जाते हैं।
मगर मैं बोलती हूँ तो थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। उसके बाद मैंने बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाया, उसके बाद छत पे भी मैंने फ़ोटो खिंचवाया। इस तरीके से करवा चौथ का मैंने पोज दिया था, उसके बाद चांद मामा को भी चलनी में कैप्चर कर लिया। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।